आपको ऐसा महसूस होता, आपको लगता, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, गुप्त नवरात्रि, तो अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितर दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो। एक कटोरी में पंचामृत बना कर ले जाते हैं, दूध दही शहद घी शक्कर ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है, और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितर पूर्वज जल की आस नहीं रखते, ना भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। जिनके यहाँ पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है, बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं, कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए नहीं हो रहा, तो प्रयास करना, दो लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे 5 बेलपत्र, शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर एक लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिवजी को चढ़ा दो, दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो, एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है। सरस्वती का निवास है, 64 योगनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ। बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था, टूटा था किन टूटा था, जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी। शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवऋषि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी माँ को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ कर, कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, साढ़े सती ढैया समाप्त, परेशानी कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। 12 महीने किसी भी एक शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को, शिव जी का नाम लेकर, शंकर जी का, किसी भी एक शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर सफेद कपड़े में गोबरी की भस्मी तैयार कर लो। गोबरी जानते हो ना, कंडा बोलते हैं, गोबरी बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, तो कंडा, अलोना कंडा, अलोना कंडा जानते हो, हाथ से थप्पा हुआ नहीं, गाय ने कोटा गिराया वो सूख गया, उसको लाओ, जब वो सूखा हुआ ऐसा कैसी उसको जला लो ठंडा करके, जब वो सूख जाए उसके बाद जला कर उसकी रात तैयार करो, सफेद कपड़े में उसको ले लो और रात्रि में शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे जाकर शंकर के मंदिर पर उस गोबरी की भस्म चढ़ा दो, उसी भस्म को वापिस निकाल लो और रात के समय ही उसको पानी में डालकर स्नान कर लो। तीसरे दिन बस 2 दिन तक लगातार उसका स्नान करना है, एक दिन शिवरात्रि की रात्रि को और एक दिन दूसरे दिन की रात्रि को, 2 दिन स्नान करिए, उसके बाद तीसरे दिन से चर्म रोग अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। एक शरीर पर के शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती।
उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।